नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश क्यों होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश क्यों। तो इस वीडियो हम लोग ये देखने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश क्यों। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। वर्षा के वितरण में स्थलाकृति और हवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घाट का अर्थ नदी किनारे बनी सीढ़ियाँ या पर्वती दर्रा होता है। भारत में प्रायद्वीप के ढक्कन के पठार के दोनों किनारों पर बने पर्वतों को भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहते हैं। क्यों भारत के पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश होती है, यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं क्या। तो पहले हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट, उसको बताते हैं हम पश्चिमी घाट के बारे में। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। किधर से? उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखिएगा आप लोग। और दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। विश्व में जैविकी विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैविक विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है विश्व में अगर तुलना की जाए तो, और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान भी है। ठीक है, यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है, फिर से आप इसको देख लीजिए, यह गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए यह कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, वहाँ पे यह जाकर समाप्त होती है कन्याकुमारी पर। कौन सा? पश्चिमी घाट। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, कितने? 39 स्थानों को 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। यहाँ की पहाड़ियों का कुल क्षेत्र 1,60,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, कितना? 1,60,000 वर्ग किलोमीटर तक, और औसत ऊंचाई लगभग इसका 1,200 मीटर यानी कि 3,900 फीट है। ठीक है, यह तो हो गया पश्चिमी घाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्वी घाट, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्षा क्यों होती है अधिक। ठीक है, तो पूर्वी घाट पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है। कितने राज्य हैं यहाँ पे? तो चार राज्य देखिए फिर से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु तक है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के मध्य से प्रायद्वीपी भारत की चार प्रमुख नदियां होकर जाती हैं। पूर्वी घाट पहाड़ी से वह कौन कौन सी नदी है उस पे हम लोग देखते हैं, जिसे गोदावरी नदी कहते हैं, महानदी है, और दूसरी, तीसरी है कृष्णा, चौथी है कावेरी। ठीक है, ये चार नदियां हैं, कौन कौन सी? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये चार नदियां हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलती है,
समझ गए हैं आप, पूर्वी घाट जो है वह पर्वत श्रृंखला उसकी बंगाल के खाड़ी के समांतर ही चलती रहती है, ठीक है, उसी के समान है ये। दक्कन पठार पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बीच सीमा के पश्चिमी में स्थित है। कहाँ पर? दक्कन पठार पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बीच सीमा के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल तट क्षेत्र सहित तटीय मैदानों पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कहाँ पर है ये? कोरोमंडल तट क्षेत्र सहित तटीय मैदानों पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, कोरोमंडल तट, ठीक है। और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है, जितना पश्चिमी घाट ऊंचा है उतना ऊंचा पूर्वी घाट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में कुछ तथ्य, ठीक है, संक्षेप में देख लिए हम लोग और काफ़ी फैक्ट चीज़ देख लिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं भारत के पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश क्यों होती है, ये मेन टॉपिक है हम लोगों का इस पर। तो क्यों वर्षा होती है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पे? तो अब देखते हैं हम लोग कि क्यों वर्षा होती है। तो पहला इसमें हम बता देते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, पहला इसमें जो वर्षा होने का कारण है वह है अरब सागर की हवा। जब 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाली पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती है, लेकिन जल्दी ही वो शांत हो जाती है और नतीजतन पश्चिमी घाट पर 250 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा होती है। जब ये हवा पूर्वी घाट की तरफ तो इसकी शक्ति और आर्द्रता कम होती जाती है, ठीक है, जैसे यह पूर्वी घाट की तरफ बढ़ती है तो इसकी शक्ति और आर्द्रता दोनों कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कम बारिश होती है, ठीक है। कौन सी? ये अरब सागर से जब हवा चलती है उसके बाद सारी वर्षा यहीं छोड़ जाती है, तो आगे क्या ले जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो उसका कारण है उसको देखते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट बारिश कराने वाली हवाओं को अपने पश्चिमी ढलानों से रोकता है, जिसके वजह से यहाँ भारी वर्षा होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी घाट के समानांतर चलते हुए निकल जाती है, क्योंकि यहाँ नमी से भरपूर हवाओं को अवरुद्ध करने वाले ऊंचे ऊंचे ढलान नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए दूसरा कारण ये भी बनता है, जैसे आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा है, तो ऊंचाई तो इफ़ेक्ट डालता ही है किसी को रोकने के लिए। तीसरा जो है कारण वह है पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारिश से भरे क्षेत्र में स्थित है, जबकि पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारिश छायक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण रीजन है, कौन सा, फिर से इस आप देख लीजिए। पश्चिमी घाट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारिश से भरे क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट पूरा बारिश का इसका पूरा क्षेत्र ही है जहाँ यह है, जबकि जो पूर्वी घाट है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से बारिश से छाया से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला चार नंबर जो है इसका कारण, मुख्य कारण पानी बरसने का, ठीक है, तो वह है पश्चिमी घाट में एक सभ्य ढलान है जो सूरज की रोशनी और शोषण के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, जबकि पूर्वी घाट पर विषम ढलान है, ठीक है। तो ये ढलान भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारण निभाता है इसमें। देखिए फिर से, पश्चिमी घाट में एक सभ्य ढलान है जो सूरज की रोशनी को अवशोषण कर लेता है, ठीक है, अवशोषण कर लेता है, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण इसका है चौथा। और जबकि पूर्वी घाट यह विषम ढलान होने के कारण ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा और अधिक मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।